हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश क्लास टेंथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको इंग्लिश का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता दिए थे और सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का आपका पेपर 21 को होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन छाप लीजिए, सेट ए है। ठीक है, सभी का पेपर यही रहेगा, बस आपको आंसर केवल याद रखना है। ठीक है, जो लोग भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे होंगे, जाकर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, तो आपको किसी भी पेपर का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको मैं एग्जाम से दो दिन पहले हर विषय का दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का टोटल मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दिए थे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो नहीं मिला होगा तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑलरेडी जो पैसेज है उसका तो आंसर मैं यहीं पर टिक लगा दिया हूँ। तो पहला का आंसर यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरा का, यहाँ पर तीसरा का, यहाँ पर चौथा का, सबका आंसर यहाँ पर आपको टिक मैं ऑलरेडी लगा दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सब जिसका भी मतलब नंबरिंग है ना, सबका यहाँ पर मैंने आंसर दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर पाँच का पांचवा का है, इंडिपेंडेंस डे पर आपको पैराग्राफ लिखना है, तो आप लोग ये पैराग्राफ लिख दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर सबसे बढ़िया रहेगा ना, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में सब आपको मिल जाएगा A to Z। और ये क्वेश्चन नंबर 9 का है, प्रिंसिपल के पास आपको अप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, और नीचे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, और नीचे मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ऐसे ही करके मतलब कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। बस आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको टोटल मैं पेपर ही भेज दूंगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। ठीक है, आंसर सहित। तो यहां पर देख सकते हैं, आप लोग जल्द से जल्द जाइए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके तो आप लोग